खबर गिरिडीह से है, जहां पारसनाथ गांव के बहुचर्चित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए मोतीलाल बसके प्रकरण की जांच करने डीआईजी अमोल विनुकांत होमकर मधुबन पहुंचे। गिरिडीह विधायक की मौजूदगी में मोतीलाल बसके के परिजनों से मिलकर उन्होंने जानकारी हासिल की। अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा की जा रही है और जो भी और बाकी समस्याएं अपराध से संबंधित हो, या चूँकि मधुबन एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र भी है, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है, उनमें जो चैलेंजेस है उसके बारे में हम लोग अभी एक समीक्षा कर रहे हैं और इसमें आगे की जो रणनीति होगी और किस तरह से काम करना है इसके बारे में हम लोग बात किए। फील्ड ऑफिसर से फीडबैक लिया गया है और उनको जो जो सपोर्ट चाहिए उसके बारे में भी उनके द्वारा बताया गया है। इस पर अभी हम लोग आगे काम करेंगे और जो जिला पुलिस बहुत बेहतर तरीके से अभी काम कर रही है और अच्छे रिजल्ट्स जो वर्तमान इसकी है उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे क्षेत्र में रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं, तो इसको और भी जो सपोर्ट उनको चाहिए उसको देके हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यही आज की काफ़ी लंबे समय के बाद पारसनाथ नक्सलियों के लिए संदेश क्या है? बेसिकली देखिए, आप लोगों की क्लियर स्ट्रेटजी है, या तो वो हथियार छोड़े और सरकार के समक्ष, पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें, नहीं तो जो हमारी कानून सम्मत शक्तियाँ हैं और जो कार्रवाई है वो होगी और उनको जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई होगी और सजा दिलाई जाएगी। तो यही समय है कि वो मुख्य